गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और दिन मेरी लाइफ में। तो आज है ट्यूसडे और वापस एक और दिन आ गया है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आज का दिन और दिन से अलग कैसे रहेगा तो ये भी तुम्हें बताता हूँ। पहले तो बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, आई डोंट नो मेरे मुंह पे लाइट आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। सो या आज का दिन थोड़ा वियर्ड रहने वाला है, क्योंकि आज क्या होने वाला है यार, मैं उल्टा नहीं चल सकता, सॉरी भाई। सो या आज का दिन कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे हिम्मत जोड़ने दो ये बताने की, लेकिन आज मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट आने वाला है। ऐसा मेरे सुनने में आया है, मुझे आइडिया नहीं है, पर लेकिन शायद से मेरा रिज़ल्ट आने वाला है आज। तो आज मुझे पता चलेगा मेरा असाइनमेंट वन का क्या टेस्ट रिज़ल्ट रहा है, जो मेरा टेस्ट था सबसे पहला टेस्ट। हाँ सच बताऊँ तो मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा पेपर कैसा गया, पर लेट्स सी। क्योंकि नर्वस होने से कुछ होगा नहीं, अब तो हो गया है तो आई हैव टू फेस इट। सो अब देखूँगा मैं कैसा आता है मेरे मार्क्स और क्या होता है, और अगर गलती से फेल हो गया तो उसका क्या सीन है, और अगर पास हो गया तो फिर तो क्या ही सीन है, ठीक है। तो या बाकी बेस्ट, अब चल रहा हूँ मैं अपने उसकी तरफ, अपने बस स्टॉप की तरफ। और हाँ, तो मैं न्यूज़ीलैंड की एक अपडेट भी देता हूँ। यहाँ ना जो कूड़ा उठाने वाले थे ना, उन्हें हड़ताल कर दी है। उन्हें इसलिए हड़ताल करी है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनके जो मिनिमम वेज रेट है, यानी जो उनका कमाई है हर घंटे की, वो बढ़े। इसलिए अभी यहाँ से न्यूज़ीलैंड की रोडों से कूड़ा भी नहीं गया, पता है बहुत लोगों ने, उन लोगों ने कूड़ा ही नहीं उठाया क्योंकि उन्हें हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। तो या ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पर। और क्या बताऊँ, रुको तुम्हें और सोचने दो। और तो कुछ ऐसा है नहीं खास इतना, क्योंकि अभी ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है। यहाँ मौसम ठीक हो रहा है, मौसम का न्यूज़ीलैंड का कोई भरोसा नहीं, कब मौसम बदल जाए यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। पर या आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप हो रखी है। और हाँ, मेरा बस कल कॉलेज है वेनसडे, फिर थर्सडे से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं कब से वेट कर रहा था इस ब्रेक का, फाइनली ब्रेक मिलने वाला है मुझे, यस। और अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट किया और काउंटडाउन भी किया था। थोड़ा सामान लिया, जैसे क्या बोलते हैं, चिकन ब्रेस्ट पीस और सम ब्रोकली, और क्या दूध लिया, ये सारा सामान लिया, लेकिन कॉफ़ी लेना भूल गया। तो या उसके बाद घर आया, घर आने के बाद थोड़ा तैयार व्यार हुआ, जूते पहने और अपने बस स्टॉप की तरफ निकल गया। सो या तो अब मैं तुम्हें मिलूँगा कहाँ पे, नेक्स्ट शॉट पे सीधा हैमिल्टन में। तो सी यू एट हैमिल्टन गाइस। बट तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि मुझे ना कल मैं जो वीडियो डाली थी उसमें मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाया था, क्योंकि मैंने अभी वीडियो ओवरव्यू करा उसे। तो मैंने जब देखा तो उसमें मैंने बोला था कि तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा न्यूज़ीलैंड के बारे में, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो या आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पे टाइम है, हैमिल्टन में टाइम नहीं रहता क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कॉलेज की तरफ भागना पड़ता है। तो अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बनते हैं लकड़ी के घर, ठीक है। और जो लकड़ी के घर होते हैं उनकी एज होती है। ये क्या करते हैं लोग, ये लकड़ियाँ पहले उगाते हैं एक इन टापू में जगह रख रखे, जहाँ की बहुत सारी लकड़ियाँ बनती भी क्या मतलब उगाई जाती है। और फिर उन जो लकड़ियों की एज होती है वो होती है 100 ईयर्स, ठीक है। तो वही यही लोग करते हैं, यानी जब वो उन्हीं लकड़ियों से जब घर बनाते हैं अपना, तो उस घर की जो एज होती है वो होती है 100 ईयर्स। और जब वो 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये वापस घर को वहीं पर बनाते हैं, यानी लकड़ी से। तो यहाँ ऐसा होता है, तो जब भी लोग यहाँ घर लेते हैं तो वो उनकी मैनुफैक्चरिंग डेट देखते हैं, क्योंकि इंडिया में हम ऐसा नहीं देखते कि घर कब बनाता है ये सब वो सब, क्योंकि वहाँ कॉन्क्रीट के बनते हैं और कॉन्क्रीट बहुत लंबा चलता है। पर लेकिन जो लकड़ी होती है उसकी एक मिनिमम एज न्यूज़ीलैंड में 100 ईयर्स है। तो या यही तुम्हें बताना था कि न्यूज़ीलैंड में जो लोग भी घर लेते हैं वो उसकी एज देख के लेते हैं, क्योंकि अगर सोचो तुमने घर लिया जिसकी एज ऑलरेडी 90 ईयर्स है, और फिर 10 साल बाद तुम्हें वापस उस घर के लिए पे करना पड़ेगा जितना भी उसका लकड़ी का खर्चा आता है। और लकड़ी का खर्चा बताऊँ भाई बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा पर 100 साल जो लकड़ी चल सकती है, तो तुम विश्वास कर सकते हो उसकी प्राइस वैल्यू कितनी होगी। या और हाँ, एक और बात बताता हूँ, अगर तुम लकड़ी का घर बनाते हो तो तुम्हें ज़्यादा सस्ता मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कॉन्क्रीट के घर से। ये भी न्यूज़ीलैंड में हो रहा है। तो बस यही बताना था, और सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर कोई नहीं, क्या हो गया भाई, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है बिना बात के। अब मैं तुम्हें मिलूँगा सीधा नेक्स्ट शॉट पे। और हाँ, ये जो पेड़ देख रहे हो तुम मेरे पीछे, यार इसका कहाँ गया, फ्रूट है इसमें कोई, आई थिंक होगा, मुझे देखना पड़ेगा बेटा, देखता हूँ फ्रूट है इसमें कोई, फ्रूट ये फ्रूट देख रहा हूँ तुम्हें, ये हाँ। तो ये ना यहाँ का न्यूज़ीलैंड का अमरूद है, बाहर से बहुत खट्टा होता है लेकिन जो इसका अंदर का पार्ट है ना बहुत मीठा होता है। तो यही बताना था,
बाकी बस अब मैं तुम्हें मिलूंगा कहाँ, सीधा हैमिल्टन में, तो सी यू इन द नेक्स्ट शॉट। हैमिल्टन पहुंच गया हूँ मैं फाइनली, और मौसम की बात करूँ तो बड़ी हैरानी की बात है कि आज हैमिल्टन और माटा माटा का मौसम सेम है, वरना ऐसा होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि कभी माटा माटा में धूप होती है तो हैमिल्टन में बारिश होती है, कभी हैमिल्टन में धूप होती है तो माटा माटा में बारिश होती है, लेकिन आज दोनों जगह का वेदर काफ़ी क्लियर हो रखा है। सो या अभी टाइम हो रहा है 12:40 समथिंग, और मैं पहुंच गया हूं, और अब मैं जा रहा हूं अपनी क्लास की तरफ, और हिम्मत दो मुझे कि आज क्या होगा, मुझे देखना है। बस बचा लो, एक बार बचा लो भाई, कसम से यार नेक्स्ट टाइम से बहुत मेहनत करूँगा, टाइम टेबल बनाऊँगा भयंकर। टाइम मैनेज नहीं कर रहा हूँ, पता है मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर मैं टाइम मैनेज करना सीखूँगा तो फिर हो जाएगा, मेरा टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, सब कुछ सही होगा। तो यार देखते हैं क्या होता है, अब जो भी होगा देखा जाएगा भयंकर, जो होगा देखा जाएगा डायरेक्ट। तो अब मैं तुम्हें मिलता हूँ जब मेरा कॉलेज छूटेगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट रहा, तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट शॉट। आई डोंट नो, तुम मुझे नहीं देख पा रहे होंगे तो तुम देख सकते हो, अभी 7 बज रहे और इतना अंधेरा हो रहा है लिटरली, ठीक है। और मैं ना अभी शूट नहीं करूँगा, मैं घर जाऊँगा तब शूट करूँगा, क्योंकि तुम्हें मैं दिख ही नहीं रहा हूँ तो फ़ायदा ही क्या है शूटिंग का। तो बस तुम्हें दिखाना था कि अभी 7 बज रहे और कितना डार्क होने लग गया है, ठीक है, अब पता चल गया होगा तुम्हें विंटर आ गई है। तो ठीक है, मैं तुम्हें करता हूँ सीधा घर पे बात तुमसे, ठीक है। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ, और हम से बताऊँ बहुत थकाने वाला दिन रहा आज का, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मैं जो सुबह बता रहा था कि मैं इतना नर्वस हूँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो वो नहीं आया। उसने बोला था कि भाई 3 वीक लगेंगे, तो यानी जब मेरा रिज़ल्ट तब आएगा जब ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये गलतफहमी मेरे एक इंडियन दोस्त से हुई जो फालतू में डरता रहता है हर एक चीज़ से, ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे गलतफहमी हुई और मेरे अंदर ये डर बैठा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि भाई सीधा रिज़ल्ट कब आएगा, जब मेरा ब्रेक ख़त्म होगा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज पहली बार मैं एक रेसिस्ट इंसान से भी मिला, यानी एक मोरी बंदा था, वो बहुत रेसिस्ट था टूवर्ड्स मी, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। वो मुझे बोल रहा था कि ये मतलब वाइट भी नहीं है, ये मतलब इंडियन है, ऐसा वैसा, पर आई डोंट गिव अ डैम फक टू हिम, सो या आई डोंट केयर वो रेसिस्ट था या नहीं था, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं फालतू बकवास करूँ। तो पहली बार मैं एक रेसिस्ट से मिला हूँ अभी तक न्यूजीलैंड में, और मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। और लोग बोलते हैं जो भी, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मैं थ्रू जा रहा हूँ मैं तुम्हें सब वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट शॉट, सी यू टुमारो, तब तक बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।